नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 9 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश से फिर से शुरू हो रही है। इस बीच जो भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो भी ट्वीट किए और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, रालोद में प्रतिक्रिया हुई, उस पर सबकी नज़रें थी। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी का निमंत्रण हमें नहीं मिला है, यदि आपके मोबाइल में हो तो मुझे भेज दीजिए। लेकिन इस दौरान दोनों नेताओं में जम करके नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, इस स्तर पे कोई पार्टी लड़ सकती है, सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इसका जवाब अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में दिया कि हम नहीं हैं राष्ट्रीय पार्टी तो क्या हुआ, हम राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हैं, बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो इस तरीके से टग ऑफ वार चलता रहा। लेकिन इस बीच अब खबर आई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सभी नेताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं। जयंत चौधरी जो रालोद के प्रमुख है, वो तो पहले ही निमंत्रण ठुकरा चुके थे कि उनकी व्यस्तता अन्य जगहों पर है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके जवाब दिया है, और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी भी भेजी है। उसमें उन्होंने निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा है और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। यही काम मायावती ने भी किया है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि कल वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये लोग उसी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दरअसल लड़ाई जो है वो वोट बैंक की है। अखिलेश और राहुल गांधी 2017 के विधानसभा चुनाव में साथ आए थे, लेकिन 54 सीटों पे अटक गए थे, कोई सफलता नहीं मिली थी। 7 सीटें मौज कांग्रेस को मिली थी और उसके बाद से दूरियां बढ़ गई थी। ठीक इसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई थी, ये गठबंधन खत्म हो गया था। इन दलों में आपस में प्रतिद्वंदिता है, कहीं ना कहीं सियासी जो है विरोध है, क्योंकि मामला वोट बैंक का है, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं चाहते और बीजेपी और पीएम मोदी से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे। उसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। नीतीश कुमार ने होशियारी ये बरती कि कभी भी पीएम के लिए अपने को दावेदार नहीं माना, नहीं बताया। लिहाजा जैसे ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के पीएम की दावेदारी पेश की, नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया। वो तो अलग बात है, बात है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा तो क्या गुल खिलाएगा, कुछ कर सकता है क्या? तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि यदि विपक्षी एकता हो तभी हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, एक बात, और दूसरी बात कि उसमें कांग्रेस का रहना जरूरी है, क्योंकि जितने भी और दल हैं वो क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में जो है स्ट्रक्चर है, संगठन है। इसी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि हम ही हैं जो कि बीजेपी से लड़ सकते हैं, लेकिन स्वार्थ जहां जहां आड़े आ रहा है वहां वहां साथ खड़े होने को तैयार नहीं। अब अंदाजा लगाइए कि दिल्ली पंजाब में कैसे केजरीवाल खड़े होंगे विपक्ष के साथ, क्योंकि उनका कांग्रेस से यहां पे लड़ाई है। अब वो गुजरात में भी दस्तक दे चुके हैं, किसको कमजोर किया, कांग्रेस को कमजोर किया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैसे साथ आ सकते, 2019 में आ गए, वो एक अलग बात है, कैसे आ सकते हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जिस वोट बैंक पे दावा करती है वो वोट बैंक खिसक करके जा चुका है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के। तो ये दिक्कत आ रही है विपक्ष को। अभी अभी चुनाव होने में 1.25 साल बाकी है, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल जैसे ही मायावती और अखिलेश ने राहुल को के लिए शुभ संदेश भेजा, शुभकामनाएँ भेजी, वैसे ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई। अभी जो है शहरी निकायों का चुनाव टला है, क्योंकि हाई कोर्ट ने योगी सरकार के जो आरक्षण का फॉर्मूला था उसको खारिज कर दिया था, कहा था कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए, और जैसे ही बैकवर्ड को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराएंगे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। लिहाजा तत्काल योगी सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने जो है आयोग बना दिया है और चुनाव तभी होगा जबकि आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो बीजेपी की बेचैनी जो है मैनपुरी और खतौली सीट हारने की वजह से पहले से ही बढ़ी हुई है, और अब जैसे ही अखिलेश व मायावती ने कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के लिए संदेश भेजा, उससे और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी की एक आज बैठक भी हुई है, उस बैठक में शहरी निकाय चुनाव को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के उसमें मंथन हुआ है। अब ये देखते हैं कि बीजेपी अगली जो चाल चलती है वो क्या चलती है। बहरहाल कल से 3 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। रायन बेखबर, देखते रहिए इन खबर।